अच्छा नहीं नो नमस्ते करो आंटी को। नमस्ते आंटी जी। बंद में बोलिंग करना। अच्छा बोलो क्या कर रहे हो आंटी आप? क्या कर रहे हो आप? खाना खा लिया आपने? खाना खाया आपने? क्या काम कर रहे हो? अब क्या काम कर रहे हो? उधर देख के बोलो आंटी को। अरे बोलो ना, नहीं बोलना नहीं बोलना ठीक है, छोड़ दो अभी। इतने बच्चे क्यों हो आप? बंद करूंगा। अरे मारू फिर नहीं बात करूंगा। बात करेगा गुब्बर। राम राम जी की। तो कैसे हो आप सब? आप कैसे हो? मैं दूसरा बोलूंगा। दूसरा क्या बोल रहे हो? मैं पहले मैं बोलूंगा। आप कैसे हो? आप लोग बोलते हो ये बड़ा शरीफ बंदा है, आप देख लीजिए इसकी शराफत। देखो गंदे कपड़े हो रहे हैं। नहीं हो रहे अच्छे। अच्छा ठीक है, तो आज ना मैं टाइगर है। हाँ दिखा जाता है। अच्छा हाँ हाँ ऐसे खा जाएगा। तो अभी टाइम हो रखा है शाम का 5:30 बजे का, और आज सुबह से मैं बहुत बिजी थी, मतलब सुबह से और अब तक का टाइम आ गया, मतलब मैं लगी हुई हूँ, तो मुझे नहाने का भी टाइम नहीं मिला है। तो अभी मैं नहाने जा रही थी, फिर मुझे लगा कि ना सिर में बहुत ड्राई सा हो रहा है, अजीब सा, तो आज जो है तेल लगा लेते हैं सिर में, थोड़ी मालिश कर लेते हैं, और बाल भी बहुत झड़ने लग गए हैं। एक तो ये मौसम ऐसा होता है कि उसमें बाल बहुत झड़ते हैं, तो इस वजह से मैंने पर्पल से एक ऑयल मंगवाया हुआ है, और मैंने उसका आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि हाँ ये मैंने मंगवाया, बट नहीं यूज़ करने का, विनय ने तो ये एक बार यूज़ किया है बट मैं नहीं। आप ले सकते हो? हो गया चलो आप बैठ जाओ वहाँ पे। ओके तो मैंने ये लिया था purple.com से, और पर्पल की ऐप भी है जिसको कि आप ऐप स्टोर से प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको गुड वाइब्स का ये ऑनियन हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल मिल जाता है, जो कि आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, डैंड्रफ को हटाता है और हेयर फॉल से बचाता है। तो ये मैंने पहले भी मैं इसका यूज़ कर चुकी हूँ, अब ये मेरी सेकंड बोतल है। तो विनय इसको यूज़ करते हैं क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, और मेरा भी एक बार ना बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल खाली सा ही हो गया था, तो इस वजह से मैंने ये मंगवाया था। मैंने लिया था पर्पल की ऐप से, वहाँ पे ना आपको हमेशा ऑफर्स डिस्काउंट्स वहाँ पे मिलते रहते हैं। तो मैं पर्पल की ऐप का डाउनलोड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जो कि नीचे होता है वीडियो के नीचे, और इसका परचेज लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सबको पता है कि ऑनियन ऑयल का बहुत अच्छा यूज़ होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है हमारे हेयर्स के लिए, हेयर फॉल कंट्रोल में जो है ऑनियन का बहुत अच्छा रोल होता है। जब हम घर पे ऑनियन ऑयल या किसी ऑयल में बॉईल करके जब ऑनियन के रस को निकालते हैं ना, तो उसमें से थोड़ी स्मेल आती है, इसमें वो चीज़ नहीं होती है, बहुत अच्छा होता है, बहुत ईजी टू यूज़ है, और ये आपको इतनी अच्छी सी स्मॉल सी स्लीक सी पैकेजिंग मिल जाती है। पीछे आपको हाउ टू यूज़ में भी दे रखा है, इसके बेनिफिट्स भी दे रखे हैं, हेयर ग्रोथ में प्रिवेंट्स हेयर लॉस, रिड्यूसेस ब्रेकेज, लीविंग योर हेयर लुकिंग हेल्दी शाइनी, तो क्रिएटेड फॉर ऑल हेयर टाइप्स। तो इसके बेनिफिट्स हैं, हाउ टू यूज़ है, बेस्ट यूज़ के लिए आप ओवरनाइट यूज़ करें, बट मैं ओवरनाइट यूज़ नहीं करती हूँ, बिकॉज फिर ऑयली ज़्यादा हो जाने से ना मेरे स्किन पे पिंपल्स हो जाते हैं, तो उस वजह से मैं इसको ओवरनाइट नहीं रखती हूँ, सिर्फ नहाने से 1-1.5 घंटा पहले मसाज करती हूँ, और उसके बाद जस्ट हेड वॉश कर लेती हूँ। तो नो पैराबिन और क्रुएल्टी फ्री है, और क्वांटिटी आपको मिल जाती है 100 ml, प्राइस मिल जाता है आपको 250 में, जिसका कि आपको डिस्काउंट जो होगा कोड वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप डिस्काउंट कोड लगा के
और फिर आप लोग जो है इसको परचेज़ कर सकते हो, तो आपको 250 से कम में ही ये मिलने वाला है। तो अभी चलो और यहाँ से इसको ओपन करके और अंदर आप देख सकते हो, अब यहाँ से ये इसकी कंसिस्टेंसी मिल जाती है। तो अगर आप डायरेक्ट अगर आप सिर में लगाते हो तो फिर वो ये होता है कि ज़्यादा ज़्यादा निकलने का हो जाता है, कि ज़्यादा ना लग जाए कहीं, ज़्यादा ना निकल जाए। तो बस मैं ना थोड़ा थोड़ा सा और बहुत अच्छी सी एक हल्की हल्की सी खुशबू है, बाकी जो हम घर पे अगर बनाए ना तो उसमें बड़ी गंदी सी स्मेल हो जाती है, और फिर दूसरा बंदा भी ऐसे चुभने से लग जाती है वो स्मेल कि अरे यार क्या लगा लिया। तो उससे बचने के लिए आप इसको एक ट्राई ज़रूर दीजिएगा थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके। और फिर मैं लगा लेती हूँ, अब जैसे मैंने इधर लगा लिया, अब मैं और लगा लेती हूँ, मतलब धीरे धीरे करके, फिर अच्छे से मसाज करके एक घंटा डेढ़ घंटा जैसा भी मतलब टाइम हो उसके अकॉर्डिंग। और आज मैं इस हेयर ऑयल के साथ साथ मुझे लगा कि चलो हेयर केयर कर रहे हैं तो थोड़ा स्किन केयर भी कर लेते हैं, क्योंकि मेरा फेस पे ना आपको पता ही है कि थोड़े थोड़े दिन में एक आधा एक आधा पिम्पल निकलता रहता है। तो यहाँ पे ये वाला, तो ये पिंपल्स जो हैं अभी मतलब ऐसे हो रहे हैं कि आने वाले हैं, तो उस वजह से मैं अभी एक शीट मास्क अप्लाई करने वाली हूँ, वो भी मैंने पर्पल से ही लिया था। और मैंने 3 शीट मास्क मंगवाए थे, तो एक मैंने पहले यूज़ किया था, उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा था, और एक मैं आज यूज़ करने वाली हूँ, और एक है मेरे पास वो जिसमें 3 शीट होती हैं, मतलब वो वाला मैं पहली बार ही मैंने मंगवाया है, और जिस दिन भी मैं उसको यूज़ करूँगी उस दिन फिर मैं आप लोगों से वो शेयर करूँगी। वो नया आया है, न्यू लॉन्च है, तो वो तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके और मैं चारों तरफ अपना हर जगह लगा लूँगी, अच्छे से जो है मसाज कर लूँगी। बस आजकल ना थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो गया है, वो आप लोग को भी पता है, और आप लोगों से ही कनेक्टेड रहती हूँ मैं 24 घंटे। तो इन सब का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी। तो अभी मैं एक बार अच्छे से मसाज कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आपको। क्या बनाएगा आप? आप तो पहले ही पतलू नहीं हो, और कैसे हो आप? मोटू पतलू के तो ये बनूंगा। अच्छा, फिर मोटू कैसे वाले? अच्छे वाले। कैसे होते हैं अच्छे वाले? मोटू पतलू के तो ये चला दो हैं, पापा की चला दो ना। अच्छा रुको, अभी चलाती हूँ मैं ये वाली दवाई लगा लूँ। हाँ लगा लो। कैसी होती है ये? अच्छी होती है पक्का? हाँ लो। तो अभी मैंने फेस वॉश जो है ना सिर मलिश करने से पहले मैंने फेस वॉश किया था, तो सर पे थोड़ा सा इधर से आ गया है, अब मेरे को नाना ही तो है। तो अभी लगा रही हूँ मैं ये पर्पल का है, माइक्रोफाइबर शीट मास्क विद ब्लूबेरी एक्सट्रैक्ट। तो इसका इन्होंने हाउ टू यूज़ भी दे रखा है, मास्क में हमेशा ये माइक्रोफाइबर शीट मास्क में मतलब मंगाती रहती हूँ हर मंथ, तो काफ़ी अच्छे होते हैं, वही हफ्ता 10 से 12 दिन में अप्लाई कर लेना चाहिए शीट मास्क, अच्छा रिजल्ट देता है। तो वही है कि वॉश योर फेस विद नो बाविक पिछो। तो अभी इसको निकाल लेते हैं, और इसका ये है कि आपको 15 से 20 मिनट अपने फेस पे लगा के रखना है, तब तक आप अपना कुछ काम भी कर सकते हो या फिर म्यूज़िक भी सुन सकते हो, बट मेरे पास काम बहुत सारा पड़ा है तो बट मेरे पास काम बहुत सारा पड़ा है बट मैं काम नहीं करने वाली, मैं लेट के आराम से रेस्ट करने वाली हूँ। तो ये इसको ओपन कर लेते हैं, इसमें बहुत अच्छा जो है ब्लूबेरी एक्सट्रैक्ट है।
यहाँ पे मैंने शीट मास्क को अच्छे से अप्लाई जो है कर लिया, और आप देख सकते हो कि कितना अच्छा, मतलब बिल्कुल शेप में कट हुआ था, ना बिल्कुल बड़ा ना बिल्कुल छोटा, तो बिल्कुल प्रॉपर शेप में इसके कट था। और बहुत इजी टू अप्लाई है, कुछ भी नहीं है, बस खोलना है, लगाना है, और ऊपर से जो है इसका जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो उतार देनी है, और फटाफट से लग जाता है, बहुत ईजी है। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट लगा के और फिर मतलब आप लोगों से मिलूँगी। तो ये थी इसकी एक्स्ट्रा जो प्रोटेक्टिव शीट थी वो, और ये है ब्लूबेरी एक्सट्रैक्ट शीट मास्क, माइक्रोफाइबर शीट मास्क। तो अभी मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी सी देर में। तो यहाँ पे जो है भाविक साइकिल चला रहा है, कभी आगे कभी पीछे, दोनों साइड चला लेता है। तो मेरा अप्रॉक्स 15 से 20 मिनट मैंने ये रखा है, और बहुत अच्छा कूलिंग इफेक्ट फील हो रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा स्किन फील हो रही है, नहीं नया नया सा, क्या नया तो अब नहीं है ना, पर हाँ हम पुराने की केयर करते रहे ना तो वही नया बना रहता है। और इसका लिंक और हेयर ऑयल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और पर्पल पे हमेशा सेल हमेशा ही चलती रहती है, और बाकी डिस्काउंट कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो अभी मैं नहा धो लेती हूँ और बाकी झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, उसके बाद हमें जाना है बाहर घूमने के लिए, क्योंकि कई दिन हो गए घर पे रहते रहते थोड़ी बोरी वोर से हो रहे हैं। तो वो बोल रहे थे कि थोड़ा खेतों की साइड चलेंगे घूमने के लिए, तो फिर आप लोगों से वहीं पर मुलाकात होगी, हैं भाविक? चलो, तो मैं हो चुकी हूँ नहा धो के तैयार, और अभी हम बारवाली लगा दूँ। हाँ, पार्ली लाइट तो आएगी ना, ठीक है। तो आज पता नहीं कैसे हमारी लाइट भाग गई है, और टाइम हुआ है 7, और हम जा रहे हैं घूमने। हम जा रहे हैं भाई सैर करने, है ना भाविक? लेके आओ अपनी साइकिल, साइकिल निकालो, ले भाई जा, आज ऊपर ना मुँह कर रहा है। कहाँ जा रहे हो भाविक? घूमने कहाँ पे बताओ ना, देख कितना बदतमीज है। लाइट पता ना आज कैक कर चली गई। चलो भाविक आओ जल्दी, चलो पापा की तरफ चलाओ, मोड़ो ऐसे। कहाँ जा रहे हो, कहाँ पे? खेतों में। चला लेगा थोड़ी देर, चला लेगा। भाई भाई धीरे धीरे, भगाना नहीं है। ओ गंदे बेबी, छोड़ रखी मैंने, छोड़ो, हमने तो पकड़ी ही नहीं है। साइड करो, अंकल की गाड़ी आ रही है। तो अभी हम ना गांव से बाहर निकल चुके हैं, और हमारे गांव के साइड में दूसरा गांव पड़ता है हरेवली, तो हम वहां तक जाते हैं। और मतलब ऐसा नहीं है कि डेली जाते हैं, डेली नहीं जाते, मतलब हफ्ते में एक या दो बार ही बस, वो भी थोड़ा सा ही हो जाता ना कि घर पे पड़े 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 थोड़ा बोरियत सी फील हो जाती है। तो फिर इसलिए कई बार खेतों की तरफ निकल जाते हैं, और कई बार इस तरफ आ जाते हैं। तो भाविक चलाएगा अपनी साइकिल, ये देखो भाविक साइकिल चलाएगा, और इन्होंने पीछे से पकड़ रखा, क्योंकि रोड का काम है ना, बच्चा हैंडल घुमा देगा तो इस वजह से, और मेरी भी वॉकिंग हो जाएगी, और साथ साथ में आपको भी। पहले मैंने ये ब्लॉग ये रूटीन शेयर नहीं किया, क्योंकि क्या हो रहा है, क्या हो गया? पैर रखोगे आप कैसे? तो इसकी साइकिल में पैर रखने का भी एक स्टैंड है, ऐसे पैर रख लिए। साइकिल में एक पैर रखने का स्टैंड है,
कि पैडल ना चलाने हो तो उस पर रख लो, तो उससे पैर रखवाए हैं वरना फिर नहीं, ये ऐसे हवा में उड़ा रहा था, ऐसे ऐसे पैरों को कर रहा था, तो उससे बचने के लिए। तो अभी घूम लेते हैं और आप सब भी हमारे साथ घूम लीजिए। और पता है धीरे धीरे नहीं घूमना चाहिए कि ऐसे ऐसे सुस्त सुस्त से घूम रहे हैं, ऐसे नहीं, तेज़ तेज चलना चाहिए, उससे आपके वेट लॉस में बहुत जल्दी इफ़ेक्ट पड़ता है। धीरे धीरे आप कितनी भी देर घूम लेना कोई असर नहीं होगा, सीरियसली। बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि मेरी बात थोड़ी सी लगे कि हम घूमते हैं, तो वो चीज़ नहीं, मैं सिर्फ एक कॉमनली बता रही हूँ कि तेज़ घूमोगे ना तो मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, ऑटोमेटिकली आपका वेट रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। बस है, हाँ दिखा है, छोटे छोटे रोड ऊंचा उठ गया, नुका रहे हो, हम छोटे भी थे, हम छोटे छोटे सब की बात है, बढ़िया बढ़िया, मतलब पानी कितना आवे क्या पता, वो छुट्टी होगी अभी तो भाई ज्ञान ले लिया प्याऊ का। भाभी की आईज तो ऐसे दिख रही है भाई, कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, बस सोने के लिए जाते हो आप घर पे, इस टोकरी में क्या डाल रखा है आपने, चने आप घोड़े हो, कैसे खाते हैं घोड़े चने, मन्ने छोटे थे सकूल टाइम में घोड़ा है क्या, हाँ भाभी के घोड़ा, ओ ये क्या भाभी के खेत है, पैर पीछे रख लो मैं चलवा दूंगा, पैर आप पीछे रख लो ना स्टैंड पे, ए पीछे स्टैंड पे रख लो, दे बंद कर रहे हमने, कितना बदतमीज है देख, ये रखनी ना वे बंद कर दिए, अड़ दे होंगे मैं करवा दूंगा काम, तो ना तो अभी हम भाई मुड़ चुके हैं, अभी वापस जाएंगे घर, ये तो फोन की लाइट है, चलो चलो भाभी के, नहीं जाया जाता, क्यों नहीं जाया जाता, झूठे फ्रॉड आदमी, चलो मैं तो नहीं लेंगी, अरे प्लीज ठगे, चलो मुंह फेरो, चलो मैं एंड पकड़ के चलूंगी, चलो तो आओ, हाँ पापा ने गेट बंद कर दिया, बोलो पापा जी ऐसे नहीं करते, मस्की आ रहे थे, मस्की शानी देख चप्पल बाहर निकाल दी, गेट से बाहर क्यों नहीं निकाली चप्पल आपने, से बाहर निकालो, आ जाओ अंदर ले 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 जाओ, पकड़ो पकड़ो ना निकम्मा, भाई मैंने बनाए हैं नमकीन चावल, ये देखो अभी मैंने इनको छेड़ा नहीं है, इनको छेड़ते हैं, छेड़ दिया मैंने इनको, तो ये पापा बेटा खाएंगे घी के साथ, और मैं आज अपना पुराना एक एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इनको मैंने खोले ना काफ़ी देर हो गई है, तो अब ये गर्म तो हैं पर उतने गर्म नहीं है जितने बिल्कुल एकदम से खुले हुए होते, तो अभी हम अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, पहले इनको ऐसे सजाते हैं,
आलू आलू ले लेते हैं ना। इसमें मैंने डाले हैं टमाटर, प्याज, आलू और जीरा। तो ये हो गए हैं भाई मेरे। अभी मैं इनके साथ एक्सपेरिमेंट करूंगी, जब तक इनमें हवा निकल जाएगी तो इनको कर देते हैं साइड में और इन पापा बेटा के डाल देते हैं। ये बहुत सिंपल सादा खाने वाले प्राणी हैं, तो ये दूध के साथ, दही के साथ, पता है नमकीन चावल ना दूध के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं, कभी ट्राई करना। अब इनमें ये ना दूध डालो ठंडा ठंडा और फिर खाओ, फिर बताओ क्या टेस्ट आता है। भाई मेरे को तो बहुत टेस्टी लगते हैं, मैं ऐसे ही सिंपल सिंपल में एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। तो डाल देते हैं भाई घी। तो ये तो हो गया है भाई इन पापा बेटा का। अब मैं अपना एक्सपेरिमेंट आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो ये है भाई मेरे चावल जिनमें की हवा निकल चुकी है, मतलब ये कूलिंग टेम्परेचर पे हैं। ये है दही और इस पे दही डालते हैं ना, ऐसे ऐसे बस लगानी है इस पे दही, कोट करना है इसको ऊपर से। आज दही थोड़ी सी पतली जमी है, वो बोलते ना थोड़ी मतलब सही से नहीं जमी, वो वाला सीन है। अदरवाइज और गाढ़ी गाढ़ी दही होती ना तो और मज़ा आ जाता। तो ये हो गया भाई दही। अब इसके ऊपर ये है प्याज कटे हुए, जो कि मैंने बर्फ़ रख दी थी इनके ऊपर, तो बर्फ़ इसके ऊपर डालने से ना वो जलन जलन सी नहीं होती और टेस्ट बिल्कुल नेचुरल सा हो जाता है ना, मुँह से स्मेल आती है। तो ये हो गया भाई मेरा तड़केदार। मैं बेटी मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना। तो भाई ये है मेरा एक्सपेरिमेंट। तो भाई आप लोग भी आ जाइए, खाइए, बताइए कैसा लगा ये मेरा देसी जुगाड़ू एक्सपेरिमेंट। और भाई ये देसी जुगाड़ के साथ में खीरे खाओ और मौज उड़ाओ। अंदर लेके चलो। हाँ आंटी को बाय बाय कर दो अभी, वो सुबह मिलेंगे। लाइक कर देना। कैसे करते हैं लाइक? ये चलो बोलो आंटी बाय बाय, दीदी बाय बाय। क्यों?